हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई के न्यू रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। जैसे कि फ्रेंड्स, आप डेली टू डेली अभी यही सोच रहे हो कि आखिर ये नोटिफिकेशन कब तक आउट किया जाएगा और जो अभी कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो नियमावली में चेंजेस होने की बात बोली जा रही है और इसी से रिलेटेड आपकी मीटिंग्स भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप तो मतलब ये सोच रहे हो, लेकिन अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी तो कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं जो कि एक न्यूज कटिंग के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, हमने आपके कमेंट्स देखे कि आपने कमेंट्स किए थे, क्या सच में जो है अगले महीने से आपकी यूपीएसआई की जो भी मतलब प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी या फिर ये फेक है या रियल। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला था। जैसे कि अभी आप जैसे नीचे आओगे तो देखो आपकी जो ये पेपर की कटिंग है ना, ये अभी वायरल हो रही है, ठीक है, जिसमें आप देखते हो लिखा है कि 5,000 जो सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, उनकी भर्ती अगले महीने होने वाली है और महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो 20% हैं और डीजीपी मुख्यालय ने भेजा प्रस्ताव, भर्ती बोर्ड ने शुरू की तैयारियां। तो फ्रेंड्स, ये मतलब अभी जो ये न्यूज़पेपर कटिंग है अभी ये वायरल हो रही है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको ये बता दें, ये जो आपका न्यूज़पेपर, अब आप इस पर मत जाओ फरवरी में आएगा या फिर नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप ये जानो कि जो ये आपकी न्यूज़पेपर है ना, वो आपकी ये न्यूज़पेपर पुरानी है और बहुत पुरानी है, क्योंकि अगर आज के पेपर या फिर आप 10 दिन पहले का पेपर अगर आप उठा कर देख लो किसी भी पेपर में, तो आपको ये जो है कटिंग नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने जो है देखा लेकिन कहीं नहीं था, क्योंकि ये बहुत पुरानी है और इस पर बहुत सारी वीडियोज़ भी बन चुकी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मतलब आप ये मत सोचो कि आपका जो अभी आपका जनवरी है, 24 जनवरी, ठीक है, तो आपका फरवरी में जो है वो आपका मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब तक अभी आप देखो आपकी मीटिंग जो है कल होनी है 25 जनवरी को, ठीक है, उसके बाद ही इसमें कुछ जो है आपका फैसला लिया जाएगा, कुछ क्या नियमावली में चेंजेस होने हैं, ठीक है, इस पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप देख सकते हैं आपके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि यूपीएसआई की कुछ सालों से भर्ती नहीं आ रही है, तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड जो है सब इंस्पेक्टर बनना तो चाहते हैं लेकिन जो इनकी एज है वो ओवर हो गई है, एज ओवर हो गए हैं, तो वो बोल रहे हैं क्या आपके एज में रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी जो आपकी प्रीवियस वाली मीटिंग्स हुई ना, तो उसमें आपके टेंडर प्लस एज पे भी कुछ चर्चा हुई है और इसमें मतलब उसमें से ये बातें निकल के आ रही है कि हो सकता है कि आपको 3 साल मतलब जो है 3 साल से रिलेटेड मतलब आपको एज में छूट दे दी जाए, जैसे 2017, 2018, 2019, मतलब ऐसे, और ये बाहर बातें निकल के आई हैं कि आपको एज में छूट मिलेगी, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, ठीक है, कि हमें एज में पता नहीं छूट मिलेगी कि नहीं, हम तैयारी करें कि नहीं करें। तो फ्रेंड्स, आप तैयारी करो, अच्छे से करो, बहुत बढ़िया करो। अगर आप यूपीएसआई बनना चाहते हो तो इस बार आपको ज़रूर सेलेक्शन मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होनी है वो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, जिसमें आप मतलब 5,000 प्लस सीटें हैं, लगभग 6,000 मान के चलो, ठीक है। और फ्रेंड्स, रही टेंडर की बात, तो आपको पता होगा इस बारी आपका टेंडर जो है वो हो सकता है वीपरों को जो है दे दिया जाए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आपकी कल मीटिंग होने वाली है 25 जनवरी, उसके बाद से ही ऑफिशियली कुछ पता चल सकेगा कि आपकी जो यूपीएसआई की भर्ती है वो कब तक नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा ऑफिशियली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, बस आप कल तक वेट करिए, इतना दिन वेट किया थोड़ा और वेट कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही है, और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है बिल्कुल भी मतलब फेक है, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है यार। आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो खुद अपने आप से भी कुछ जो है आप मतलब देख सकते हो कि फेक है या फिर रियल है। तो अभी देखिए, अभी कल सुनवाई मतलब कल अभी डिस्कस किया जाएगा मीटिंग्स में, कैबिनेट मीटिंग में, उसके बाद से ही इससे रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन आ सकेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना चाहिए, और वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करती हूँ। जो भी आपके मित्र, फ्रेंड्स, भाई बहन जो भी है, आप उनको शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके लिए बेनिफिट्स हो, वो भी आपके लिए कोई ऐसी वीडियो शेयर करें जो कि आपके लिए बेनिफिट्स हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।